काय केलकर साहेब, बिना बात के परेशान कर रहे हो क्या? ट्रांसफर होना है क्या? स्टेट की हर खराब जगह पे काम कर चुका हूँ मैं, तुझे धमकी तुझे खिसक ठे हो। अरे धमकी कहाँ दे रहा हूँ, ये धमकी है क्या? देख केलकर, मैं कॉरपोरेटर हूँ जनजीवन पार्टी का, समझा ना? मैं समाज सेवा करता हूँ। तेरी समाज सेवा अच्छी तरह से जानता हूँ मैं, समझा ना? सातारा में जब पोस्टिंग थी ना, तो टिकट ब्लैक करता था, ब्लैक कॉर्पोरेटर अभी बना है, समझा? पुराने दिन भूल गया क्या? मैं समाज सुधारक था, ध्यान में रख। अच्छा, अब मैं समाज सुधारक बनता, तेरे को अरेस्ट कर। तू मेरे को अरेस्ट करेगा? कैसे? सबूत है मेरे पास, करना अभी ट्रांसफर। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया, क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम की श्रृंखला में आपका स्वागत करती हूँ। आज के जमाने में भी कई घरों में लड़कियों को ये कह के पाला जाता है कि उन्हें जीने के लिए मर्दों की या सहारे की जरूरत होगी। भले ही सुरक्षा देने वाला आदमी कितना भी ज्यादती क्यों ना करे उन पर, उन्हें सहना होगा। नहीं, मैं मर्दों के खिलाफ बात नहीं कर रही, और ना ही मैं ये कह रही हूँ कि औरतों का दर्जा मर्दों से ऊपर होना चाहिए। मैं बात कर रही हूँ समानता की। जितना मर्द जरूरी है, उतनी ही औरत। किसी एक के बिना संसार नहीं चल सकता। कभी किसी को आपने ये कहते सुना है कि बेटा अगर तुझे औरत नहीं मिली ना, तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? या ये कि अरे वो पड़ोस वाली लड़की को देख, उसके जैसा बन। अगर आप ऐसा कहो, तभी तो आप इवॉल्व कहलाओगे, जागरूक कहलाओगे। लेकिन आमतौर पर यह नहीं होता है। आमतौर पर लड़की को दबना और सहना सिखाया जाता है। हमारी आज की कहानी ऐसी ही है, महाराष्ट्र नासिक जिले से अबोली की कहानी। एक ऐसी लड़की जिसे दूसरों के रहमो करम पर जीने के लिए मजबूर कर दिया गया। मैडम, मैडम क्या हुआ? मैडम, मैडम, मैडम क्या हुआ? चक्कर आ रहा है। आपको कहीं जाना है क्या? मैं छोड़ दूँ, ऑटो भी नहीं मिली। पुलिस स्टेशन। चलिए मैं छोड़ देता हूँ आपको, आराम से। मैडम, मैडम क्या हुआ? मैडम, मैडम, मैडम अरे बाप रे, आपको तो बहुत बुखार है। आ जाओ, बैठ जाओ। मैडम आराम से। किधर ले आए मुझे? मैडम मेरा ये घर है, तुम्हें काजी ना करो, आप सेफ है यहाँ पे। आपको थोड़ा बुखार है ना, मैं कल सुबह आपको पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगा, आप आराम करो तब तक, सो जाओ, आराम से। अंदर ले चलो से, चल छोड़ मुझे, चल अंदर, नखरा कर रही है, डाल उसे बिस्तर पे, डाल। मैडम क्या हुआ? मैडम, मैडम क्या हुआ? मेरी बच्ची को छीन के ले गए, उन्होंने मेरी बच्ची को छीन लिया। अवनी बड़ा रडू नको, काय झालं तुला? शांत हो बेटा। अवनी, श्वेता काय झालं, रडते काय, झोपत का नाही? माहित नाही नितिन, डॉक्टर ने जो जो बोला मैंने वो सब किया। मेरी अवनी को कुछ हो गया ना तो मैं मर जाऊंगी। मीता, आज बहुत मन कर रहा है। क्या करता है तू? एक पप्पी देना। छोड़ दो। ओहो, मीता,
टेढ़ी-मेढ़ी होना नहीं बाइको है ना, ऐसी होती है बाइको, हाथ लगाऊं तो काटने दौड़ती है। मैं तेरे साथ शादी नहीं करने वाली। बक। मामी, ये जबरदस्ती कर रहा था, किस करने की कोशिश कर रहा था ये? तो, हाँ? अरे तुझे इस घर में इसीलिए रखा है ताकि तेरी और सनी की शादी हो, नहीं तो घर का भाड़ा देना पड़ेगा। और ये लाइट, लाइट बंद कर। लाइट का बिल तू भरती है? पहला लाइट का बिल भर। मैं कहाँ से लाइट बिल भरूं? अभी तो मैं 18 की भी नहीं हुई। पढ़ाई करके जब जॉब लगेगी तब दे दूंगी घर पे पैसा। 18 साल के बाद अपना शादी हो जाएगा, रुकेंगे नहीं किसके लिए। तब तक तेरे माँ बाप ने जो पैसे छोड़े वो मेरे पढ़ाई के हैं। अरे तुझे पढ़ाई की क्या जरूरत है? शादी तो तुझे सनी के साथ ही करनी है। मुझे इसके साथ शादी नहीं करनी है मामी, मुझे पढ़ना है आगे। तेरे मामा अब जिंदा नहीं है जो तू अपनी मर्जी से मनमानी करेगी। मैंने यहाँ धर्मशाला नहीं खोल के रखी है, यहाँ रहना है तो पैसा देना पड़ेगा तुझे। और प्यार भी। हे बेटा, तू ना लाग ले ना। बहुत सर मत मेरे पर छोड़ जमान। बोली, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, ऐसे कैसे कोई कर सकता है तुम्हारे साथ? अबुली, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अबुली, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अबुली, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सच में मुझसे शादी कर रहे हो? हाँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, कल तुमसे मिली और आज तुम मुझसे शादी कर रहे हो। सब कुछ कितना सुंदर है। जितनी तुम सुंदर हो, अब देख रहा तुम्हारा नसीब भी बहुत सुंदर होगा। अब हम साथ में है ना, सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं। अय्या, ये कब? मैंने ध्यान ही नहीं दिया, थैंक यू। दादा, मैंने आपको कहीं देखा है? मैं आपके सामने रहती हूँ, मैं मीता। तुमने इन्हें दादा बोला है तो हमारा गठबंधन भी कर दो। बहन ही करती है ना, हमारा कोई परिवार नहीं है, हम अनाथ हैं। मेरे भी आए बाबा 5 साल पहले। चुप। शादी की है ना, अब मैं जैसे चाहे करूंगा, समझी? समझे? बोली, सॉरी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। वो क्या है ना, औरतों के साथ कैसे बर्ताव करते मुझे पता नहीं। औरत मर्द की बात नहीं है संजय, किसी को दर्द तकलीफ देना अच्छी बात नहीं है। सॉरी ना। अच्छा सुन, सुबह सुबह कल तेरी बेटी को लेने जाते हैं। खरच? एकदम खर। सॉरी ना। हे अबोली, तू यहाँ पे क्यों आई फिर से? क्या काम है तेरा? निकलो यहाँ से, चलो निकलो यहाँ से। बच्ची मेरी बच्ची है, मैं उसे वापस लेने आई हूँ। अबोली कड़े बख्शी ला तो तेरी जान ले लूंगी मैं। ऐसे कैसे दूसरे के बच्चों को अपना बोलती है? ए, क्या बोला तू? इसका इलाज करो, चल निकल यहाँ से। कैसी औरत है तू? एक औरत होके दूसरी औरत का बच्चा लेके बैठी हुई है? अपनी माँ जी आए समझ ला, तुझे तो बस यहाँ काम पे रखा था और तू बच्चा चुराने के लिए आ गई। निकल यहाँ से, निकल ले तो पुलिस को बुलाऊंगी मैं। अरे निकलो यहाँ से। अरे साहब, मारपीट किया, बच्ची चुराए, हम लोगों ने कितना समझाने की कोशिश की, अब आपसे उम्मीद है सर। ओह सर, मेरी अपनी मुझे दिला दो सर। हम डीएनए टेस्ट के लिए अपील करेंगे, आप चिंता ना करो, बच्ची जिसकी है उसके पास ही रहेगी।
डॉक्टर बच्ची को जरा संभाल के। नितिन ये सब क्या हो रहा है? तुमने कहा था ना वो मेरी बच्ची को कभी नहीं ले सकेगी। श्वेता टेंशन न लोगे उस, कोई नहीं छीनेगा अपने होने को हमसे। टेढ़ा चला लो, पसंद है ना तुमको? अरे वाह, इतने दिनों में मेरी पसंद ना पसंद सब कुछ समझ में आ गया तुमको। अरे क्या हुआ, एवढी उदास नको हो? तो गाड़ी चालवना काम है माझं, 15 दिन में वापस आ जाऊंगा। मैंने तेरे लिए कुछ लाया है, मोबाइल और सिम कार्ड भी डलवाए इसमें, और ये कुछ पैसे भी रख ले। 15 दिवस ये मी परत, चिंता मत करो, ठीक है? अपना ख्याल रख। अरे मीता इकड़े ना। देखो मैं 15 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, अपने वहनी का ख्याल रखना, ठीक है? हाँ दादा। वहनी उदास क्यों हो रहे हो? मैं हूँ ना। बाय दादा। बाय। ये मीता तो इसके सामने झिंगूर है। मेरा नाम राजू है, मैं इस घर का मालिक। ये मीता को तो आज मैं अच्छा सबक सिखाता हूं। मीता ये किसने किया तेरे कपड़े? सनी ने मेरे साथ जबरदस्ती। तू चुप हो जा, हम पुलिस के पास जाएंगे। हाँ तू चल। चल बाजू घर। सर सर ये मीता है और ये अबोली है, ये सामने वाले घर में ही रहती है। कड़े हाथ में बोल। ब्रूटल मर्डर है। सर नाइफ शायद मर्डर वेपन है सर, और फोन और कीज मिले पर्स में। सर मीता के कपड़े फटे हुए हैं और स्ट्रगल मार्क्स हैं, शायद इसके साथ रेप हुआ है। और इसके बॉडी पे स्ट्रगल मार्क नहीं दिख रहे, सिर्फ गला काटा गया है। लेकिन सही इन्फॉर्मेशन पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगी इसके साथ रेप हुआ या नहीं। एक काम करो, चाकू में जो ब्लड है वो इन दोनों के ब्लड से मैच करवा। सर सिर के तुम्हारे पैर के पास क्या है? सर ये तो किसी पेन का कैप लगता है। पेन का कैप? इसको एविडेंस पाउच में डालो। ठीक है सर। दोनों के घर पे फॉरेंसिक को भेजो, फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट करने को बोलो। कड़े चला। स्मिता जी फॉरेंसिक आना। इसका मंगल सूत्र है, बाकी सारी ज्वेलरी है। हाँ सर, मीता की इयररिंग्स और रिंग भी है। इसका मतलब ये मामला चोरी का नहीं, कुछ और है। सर इस प्लेट पे एक नाम है, संजय निकम। सर तो यहाँ बोलीचा ना हो रहा है। अभी कहाँ है? उसका प्राइवेट कैब है, वो टूरिस्ट को लेकर बाहर गांव जाता है। अभी यहाँ पर गाड़ी नहीं है, इसका मतलब वो ट्रिप पे गया होगा। सर फॉरेंसिक टीम आ चुकी है और फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट कर रहे हैं। ओके शिरके, मुझे लगता है कातिल यहाँ से भाग गया।
सर ये तो गली का डेड एंड है। ने सारे लोग मीता ये क्या हो गया? मीता मीता मेरी मेरी मीता मेरी मीता क्या हुआ इसको? अपन कौन? मैं इसकी मामी रोहिणी जगताप। आप घर पे नहीं थी? साहब वो मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, वो घर में गिर गया था, उसी को लेके मैं हॉस्पिटल गई थी साहब। अभी खाना लेने आए पर सर ये कैसे हो गया? अबोली और इसको किसने मारा साहब? किसने मारा? आप अबोली को जानती हैं? हाँ साहब, वो सामने के ही घर में रहती है। आपको क्या लगता है किसने मारा होगा इसको? इसका कोई बॉयफ्रेंड, किसी के साथ दुश्मनी, किसी के साथ चक्कर चल रहा था? ऐसा कुछ भी नहीं है साहब, सब ठीक था। अगर कोई होता भी तो मुझे कैसे पता चलता साहब? आजकल के बच्चे कहाँ बताते हैं? बस साहब कुछ भी हो ऐसा कोई मारता है क्या? मेरी भाजी, मेरी भाजी। आपका बेटा कौन से हॉस्पिटल में? सिटी हॉस्पिटल में हो। सनी को आप ही अटेंड कर रहे? हाँ सर। क्या हुआ उसे? थाई पर बड़ा कट है, किसी शार्प चीज से मारा गया है। चाकू जैसे? हाँ, थाईस पे चाकू से वार हुआ है और आप बोल रहे ये एक्सीडेंट है? हाँ, मर्डर स्पॉट से हमें चाकू मिला था, उसके ऊपर ब्लड है। सच बता क्या हुआ था? तूने मारा ना मीता को? बहुत दर्द होता है ना? मम्मी सर मैंने नहीं, मीता ने मुझे चाकू मारा है सर। वो किचन में थी, हमारा झगड़ा हुआ और हाथापाई में उसने मुझे यहाँ चूरा मार दिया। मीता से डोकर गर्म होता साहब, उसके मम्मी पापा गुजरने के बाद वो एकदम सी हो गई थी, इसलिए तुम दोनों ने मिलकर उसको मार दिया। हे काय बोलता है साहब, हम लोग क्यों मारेंगे उसे? जब मैं इसे यहाँ लेकर आई तब मीता जिंदा थी, अगर उन दोनों को मारते तो मेरा बेटा मर जाता। डॉक्टर ने आपको बताया होगा ना मेरे बेटे का कितना खून बह रहा था। सिर के ये सनी का ब्लड सैंपल लो, चाकू में जो ब्लड मिला है उससे मैच करवाओ, उसके फिंगरप्रिंट भी। और ये मीता और अबोली, इनका किसके साथ कनेक्शन है पता करो। और ये भी पता करो ये मीता और अबोली किसी गलत आदमी के चक्कर में तो नहीं फंसी थी। ठीक है सर। हेलो। हेलो संजय निकम, आपकी वाइफ अबोली का मर्डर हो गया है। क्या? आप जल्दी से जल्दी संतोष नगर पुलिस स्टेशन आ जाइए। साहब मैं शाम तक पहुँचता हूँ। ठीक आइए। सर ये मीता की फ्रेंड है नेहा। बैठो। क्या जानते हो तुम मीता के बारे में? सर मीता की मामी और सनी उसे बहुत तंग करते थे। मामा की डेथ के बाद मीता 18 साल की होने वाली थी तो उसकी मामी उसकी शादी सनी से कराना चाहती थी ताकि उनको उसके पैसे मिल जाए। मीता के पैसे? हाँ सर, मीता के पेरेंट्स का घर था, उनके मरने के बाद मामा ने वो घर बेचकर मीता के लिए पैसे जमा किए थे उसकी शादी और पढ़ाई के लिए। लेकिन मीता तो सनी से शादी करने वाली थी। नहीं सर, वो बिल्कुल आवारा लड़का है, ना पढ़ा लिखा है ना जॉब करता है। और सर मर्डर के एक रात पहले ना उसने मीता के साथ जबरदस्ती भी की थी। नेहा जब से यारे मामी बाहर गई है सनी रोज कमरे में घुस आता है, जबरदस्ती करता है रोज दारू पी। तो यार मुझे बहुत डर लग रहा है। सुन मीता तू बिल्कुल टेंशन मत ले, तू है ना अपना डोर लॉक रखना और अपने पास कोई चाकू या छुरी रखना, ये बेवड़े लोगों का है ना कोई भरोसा नहीं होता। हाँ तू बराबर बोलते है। नेक्स्ट डे हम कॉलेज में मिलने वाले थे पर वो आई नहीं और मैंने सोचा कि कॉलेज खत्म होने के बाद उसे कॉल करूंगी, तब तक सुमिता चल आई। मामी ने तो कहा था घर पर। सर हो सकता है कि अपने बेटे के लिए अलीबाई बना रही हो। सिरके जब सनी घर से निकला तो खून बह रहा था, किसी ने तो देखा होगा, पता करो। ठीक है सर। आप लोग ना पुलिस का काम बहुत बढ़ाते हो झूठ बोल के। आपने झूठ बोला ना, आपके बेटे सनी को आप खुद हॉस्पिटल लेके गए क्योंकि आपका बेटा खुद रिक्शा से वहां गया था और दो दिन से आप घर पे नहीं थी। नहीं साहब, वो लड़का अकेला ही था। आपके बेटे ने मारा ना मीता को? नहीं साहब, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है। मैं 6 बजे अपनी बहन के यहाँ से निकली थी यहाँ नासिक आने के लिए। सनी ने मुझे ऑटो में से कॉल किया था,
मुझे कहा कि आई मीता ने मुझे चाकू मारा तो जल्दी आ। तो फिर आपने झूठ क्यों बोला था? आपने मीता को जिंदा देखा था? माँ हूँ मैं साहब। साहब अगर सनी ने कुछ किया होता उसके साथ तो मुझे जरूर बताता ना वो। उसने बताया होगा आपको? आप थोड़े ना हमको बताएंगे। हाँ, सनी हॉस्पिटल से सीधा जेल जाएगा, समझे? सर, अबोली और मीता के घर के आसपास कहीं भी कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। हाँ, लेकिन उनके मोहल्ले के पास एक एटीएम है और वहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा था सर। मैंने वहाँ की फुटेज चेक की लेकिन कुछ सस्पिशियस नहीं मिला है। सब रैंडम पासिंग ही दिख रही है सर। लेकिन जब हम अबोली और स्मिता के घर एविडेंस सेलेक्ट कर रहे थे तो अबोली के घर हमें यूज्ड कॉन्डम मिले सर, और फॉरेंसिक ने कन्फर्म भी किया है कि वो रिसेंटली यूज किया गया था। लेकिन सर, अजीब बात यह है कि अबोली का पति 7-8 दिन से घर पर ही नहीं है। अभी तक नहीं आया? नहीं सर, उसे कल फ़ोन किया था, कह रहा था कि रास्ते में हूँ, शाम तक पहुँच जाऊँगा, लेकिन अभी तक आया ही नहीं। बीवी मर गई और पति गायब, कैसे तो नहीं सिरके? अबोली का चक्कर चल रहा था, वो संजय को पता चला और संजय ने उसको मार दिया। ये संजय का कोई दूसरा एड्रेस? नहीं सर, लेकिन संजय की गाड़ी का नंबर मिल गया और हमने उसे ट्रैकिंग पर डाल दिया, और जिस घर में वो रहता है उसके मकान मालिक को मैंने बुलाया। देखो शिरके और तृप्ति, ये सनी के पास मीता को मारने का मोटिव था और संजय के पास अबोली को मारने का मोटिव था, लेकिन इन दोनों को एक साथ कोई क्यों मारेगा? एक काम करो, ये संजय का CDR निकालो, पता करो कहीं वो वापस तो नहीं आया अबोली का मर्डर करने के लिए। अबोली का CDR रिपोर्ट निकालो, पता करो किसी के साथ वो मैक्सिमम बात करती थी क्या, कहीं अफेयर का एंगल तो नहीं। ठीक है सर। कहीं डोका भी क्या फिर लेगा जो नासिक चली गई? अबोली को रास्ते से हटाने की बहुत जल्दी मची थी ना, अब हो गया ना कांड। सर, पेशा गायकवाड़, किरण नगर चौकी, अबोली निकम का केस आप हैंडल कर रहे हो ना? हाँ हाँ बैठिए। सर, एक इन्फॉर्मेशन बतानी थी। मैंने अबोली निकम का फोटो देखा न्यूज़पेपर में, 2 हफ्ते पहले हमारे थाने में आए थे कंप्लेंट लिखवाने के लिए। सर, एक कपल है नितिन और श्वेता नाइक, अबोली बोल रही थी उसका बच्चा उन्होंने छीन लिया है। सर, वो बच्चे का DNA टेस्ट का रिजल्ट 2-3 दिन में आने वाला है, मैंने सोचा आपको बता दूं। ओके। सर, हमने नहीं मारा उसे, हमें क्या खतरा होगा? बल्कि श्वेता के प्रेगनेंसी में हमने उसे काम पे रखा था। जी सर। श्वेता, डिलीवरी पेपर्स। हो सर, ये देखिए डिलीवरी पेपर्स। सर, मेरा नाम भी है, चेक कीजिए। सर, अबोली हमारी बेटी अवनी के साथ कुछ ज्यादा ही घुल मिल गई थी, वो श्वेता को भी हाथ लगाने से मना करती थी, एक दिन तो उसने हद कर दी। अपनी रडूनों को बड़ा काय जाला तुला? चुप 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 चुप, काय जाला? इसको तो बहुत तेज बुखार है। नहीं चल बच्चा, तुझे बच्चा पालने की अक्ल नहीं है क्या? काय करते? मेरी बच्ची है, मुझे पता है कैसे पालना है। अरे दे मुझे, दे मुझे मेरी बच्ची, मेरी बच्ची छीन रहे हो। अरे अभी आ, अरे किनको मार रहे हो? चलो आइए, अभी तो मुझे दो मेरे बाप को, उन्हें मेरा बच्चा दो, मेरा बच्चा बाहर जा, मेरा बच्चा मुझे निकाल, अरे मेरा बच्चा दो, मेरा बच्चा दो, दो मेरी बच्ची। उस दिन से वो हमें बहुत परेशान करने लगी। कहाँ मिली आप लोगों को ये? हमने बहुत लोगों को बता के रखा था कि हमें मेड चाहिए, वो खुद ही आई थी हमारे यहाँ पे, और आप लोगों ने बिना वेरिफिकेशन के उसे काम पे रख लिया। अरे आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इस तरह से रूल्स तोड़ेंगे तो कैसे चलेगा? सॉरी सॉरी सर, गलती हो गई। अच्छा, ये अबोली दोबारा वापस आई थी क्या? हाँ वापस आई थी, लेकिन उसके साथ कोई आदमी था, बोल रही थी कि वो उसका पति है। संजय? नाम से तो पता नहीं हमें। ये फोटो देखिए, ये था वो? हाँ यही यही था वो। ये मियाँ बीवी और बच्चे की असलियत तो DNA रिपोर्ट आने के बाद ही पता चली। गायकवाड़ को बोलो रिपोर्ट जल्द से जल्द भेजे, और एक बात पता करो कि अबोली इन तक कैसे पहुंची। ठीक है सर। कहीं ये संजय और अबोली मिलकर मियाँ बीवी को ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा है? हो सकता है। सर, के मीता और अबोली, इनके कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन से कुछ पता चला? सर, इन दोनों लड़कियों के फ़ोन तो क्लियर हैं और लोकेशन रिकॉर्ड के लिए मैं रिक्वेस्ट कर दिया, जल्दी पता चल जाएगा। सर, अबोली और मीता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, दोनों का गला काट के मारा गया था, किसी शार्प हथियार से मारा गया। सर, अबोली के गले पर एक शार्प स्लिट है, और दोनों की मौत 16 अक्टूबर को सुबह 7 से 9 बजे के बीच हुई है। सर, लेकिन मीता का रेप नहीं हुआ है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि मीता के सलवार पर सीमन के ट्रेसेस मिले। सर, मैंने ये सीमन के ट्रेसेस सनी के सीमन से मैच करने कहा था, और ये सनी का ही सीमन है। अच्छा, तो इसका मतलब सनी ने रेप करने की कोशिश की थी
और डिफेंस में मीता ने उसको चाकू मार दिया। अच्छा, अबोली के साथ भी रेप हुआ था? नहीं सर, लेकिन अबोली सेक्सुअली एक्टिव था। लेकिन सर संजय आया नहीं है तो सीमेन मैच नहीं हो पाए। संजय के घर पे चेक करो, कहीं ना कहीं डीएनए सैंपल जरूर मिलेगा। अच्छा, वो जो कैप मिली थी मर्डर स्पॉट पर, उसका कुछ पता चला? हाँ सर, फॉरेंसिक का कहना है कि वो पेन का ही कैप है, लेकिन वो वाइट गोल्ड का है सर। वाइट गोल्ड? वो तो बहुत महंगा होता है, मीता और अबोली नहीं खरीद सकते। फिंगरप्रिंट मिले उस पर? फिंगरप्रिंट मिले हैं सर, लेकिन पार्शियली मिले हैं क्योंकि वो साइज में काफ़ी छोटा था। सर, क्राइम सीन पे जो चाकू मिला था उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है सर। सर, उस चाकू पे दो लोगों के ब्लड सैंपल्स हैं। सर, एक तो सनी से मैच करता है, लेकिन दूसरा ना तो मीता से मैच करता है और ना ही अबोली से। इसका मतलब ये मर्डर वेपन नहीं है, ये सिर्फ डिफेंस के लिए यूज किया गया था और सनी ने किसी और चीज से उसे मारा है। सर, लेकिन सनी ने तो कहा था कि वो तुरंत वहां से भाग गया था। क्रिमिनल कभी सच बोलेगा? सर, ऐसा हो सकता है कि सनी ने पहले अबोली का मर्डर किया और जब वो मीता को मारने गया तो मीता ने डिफेंस में उस चाकू से सनी के ऊपर हमला किया। लेकिन अभी भी एक सवाल है, ये दूसरा ब्लड किसका है? इसको रोहिणी के ब्लड से मैच करवा के देखो, तब तक हम सनी से बात करते हैं। पुलिस अभी तक ये नहीं समझ पाई थी कि मीता का मर्डर हुआ था और अबोली उसमें कोलैटरल डैमेज थी, या असल में कोई अबोली का मर्डर करने आया था और मीता भी मारी गई। वैसे तो सनी प्राइम सस्पेक्ट था, लेकिन अबोली ने एफआईआर दर्ज कराई थी नितिन और श्वेता के खिलाफ। वहीं अबोली और मीता के पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट में और बहुत सारी बातें सामने आई, मतलब कि सस्पेक्ट्स बढ़ते चले जा रहे थे। लेकिन पुलिस को अभी तक ये समझ नहीं आ रहा था कि कातिल असल में मारना किसे चाहता था, अबोली को या मीता को। आई शपथ सर, ना मैंने रेप किया है ना मैंने मर्डर। हाँ, मैंने मीता के ऊपर रेप करने का ट्राई किया था। मीता मेरी होने वाली बाइको है, मेरी उसके साथ शादी होने वाली है, ऐसा बोल बोल के मेरी मम्मी ने मुझे उकसाया था। 5 साल से तुझे हम लोग पाल रहे हैं और तू ऐसा नाटक करेगी? मार दिया, मैं तुझे देख लूंगा। इसलिए गुस्से में आके तूने मीता को मार दिया और उस वक्त अबोली वहां आई, अबोली ने सब कुछ देखा इसलिए अबोली को भी मार दिया। नहीं सर, मैंने नहीं, मीता ने मुझे चाकू मारा और फिर मैं वहां से भाग गया। एक मिनट सर, मैं जब हॉस्पिटल रिक्शा से जा रहा था तब मैंने अबोली को मंदिर से आते हुए देखा, तो साहब मैं उसका मर्डर कैसे कर सकता हूँ? मैं सच कह रहा हूँ सर। सो सच बोल रहा है, झूठ ये हम पता कर लेंगे। पंडित जी, आप इस औरत को जानते हैं? जी हाँ, ये रोज सुबह 7 बजे की आरती के लिए मंदिर आ जाती थी। अच्छा, 16 तारीख को जब ये आई थी तब आपने कुछ अजीब नोटिस किया? मंदिर में तो कुछ नहीं, लेकिन मंदिर से बाहर निकलकर वो एक बूढ़ी औरत के साथ बात कर रही थी। वो आपस में क्या बातें कर रहे थे आपने सुना? जी नहीं, वो दूर थे। अच्छा, उस बूढ़ी औरत का स्केच बनवा सकते हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल बनवा सकता हूँ। सर, मीता और अबोली की लोकेशन रिकॉर्ड आ गए हैं। सर, वो दोनों अपने घर पर ही थे, लेकिन 3 दिन पहले ये अबोली नासिक से सिन्नर गई थी। सिन्नर? सिन्नर क्यों गई थी? सर, ये राजू है, संजय के घर का ओनर। नमस्कार सर। सॉरी साहब, मैं जरा बाहर गावी गेलो तो प्रॉपर्टी डील साठी। संजय को मैंने अपना घर रेंट पे दिया था 1 महीना पहले, वो यहीं से अपना कैद करा था। वो संजय की फैमिली के बारे में कुछ पता है? नहीं साहब, उसके रिश्तेदारों के बारे में तो ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन 2 हफ्ते पहले वो अबुली नाम की लड़की को घर पे लेके आया था, बोला था बीवी है उसकी। रेंट एग्रीमेंट तो बनाया होगा ना तूने? हाँ साहब, रेंट एग्रीमेंट बनाया ना मैंने, वो सिन्नर से, लेकिन उसका प्रॉपर एड्रेस मैं आपको ऑफिस जाके मैसेज करता हूँ। पता चला सिग्नल क्यों गई थी? उसका एड्रेस ले लो। चलो चला। सर, राजू ने तो यही एड्रेस दिया था। मैडम जरा 1 मिनट। ये संजय निकम यही रहता था ना? हो साहेब, पर वो सब तो कल ही निकल गए। सब मंजे? अजम कौन कौन होता? संजय, उसकी आई कांता और उसके 2 बीवियां योगिता और सोनाली। 2 बीवियां? हाँ, योगिता और सोनाली दोनों सगी बहन हैं। और इस संजय का दोनों के साथ चक्कर चल रहा था और इनके बाप को था कैंसर, तो मरने से पहले इन दोनों की शादी उसने संजय से करा। इसका मतलब इस संजय ने अबोली को फंसाया है।
इस औरत को यहाँ देखा है? आई थी? हाँ, थोड़े दिन पहले ही आई थी। बहुत झगड़ा हुआ था, तब संजय नहीं था घर पे। इन दोनों बीवियों ने उसको बहुत मारा और घर से निकाल दिया। इस लेडी को जानती हैं आप? हो, इतर संजय ची आई कांता। सर, इसका मतलब है कांता जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन नाशिक में ही थी। इन सबके नंबर है आपके पास? हो साहब। अबोली गई संजय के पास सिन्नर, और संजय की माँ अबोली को मिलने के लिए आई थी नासिक। एक काम करो त्रुप्ति, ये संजय की सारी डिटेल सोशल मीडिया पे डालो, जरूर उसको कोई ना कोई पहचानता होगा। और उसकी दोनों बीवियाँ और उसका सीडीआर निकालो। उसका डीएनए कॉन्डम से मैच किया? हाँ सर, लेकिन डीएनए मैच नहीं हुआ है। फिर ये दूसरा आदमी कौन है? मोहल्ले वालों से पता करो, अबोली के घर कोई आता जाता था क्या? ठीक है सर। सर, ये अबोली का मकान मालिक है। मोहल्ले के पास वाले मेडिकल ने कंफर्म किया है कि इसने ही वहाँ से कॉन्डम्स खरीदे थे। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया है साहब, मैं शादीशुदा आदमी हूँ, आप फंसा रहे हो मुझे। अच्छा, तो जो दूध वाले ने तेरे को देखा अबोली के घर से आते हुए, उसका क्या? नहीं साहब, लोग तो कुछ भी बोलते हैं ना। अरे हाँ, लोग तो कुछ भी बोलते हैं, हम कुछ भी बोलते हैं, मेडिकल वाला कुछ भी बोलता है, दूध वाला कुछ भी बोलता है ना, दिमाग नहीं लोगों को। साहब, मैंने कुछ नहीं किया। क्या हुआ, इतनी जल्दी मान गया? सर, के आजकल के लोगों में पेशेंस ही नहीं रहे। चल बोल। संजय की दो दो बीवियां थी, मुझे पता था, बहुत स्टाइल मारता था सबके सामने। और जब मुझे पता चला कि उसने अबोली को भी पटा लिया है, मुझे बहुत जलन हुई। अबोली दिखने में बहुत मस्त थी साहब। जब मैंने उसे अबोली के बारे में पूछा तो बोला अबोली सिर्फ टाइम पास है। फिर हम दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया साहब। अबोली तू भाग जा, ये आदमी ना मुझे बर्बाद कर देगा। ये बहुत खराब आदमी है अबोली, इसने ना मुझे झूठे पुलिस केस में फंसा दिया है, और इसको ना तेरे साथ सोने का है। तू अपने आप को बचा। क्या? मैं ना जेल में रह लूंगा, लेकिन तू अपने आप को बचा, तू भाग जा प्लीज। नहीं नहीं, मैं तुम्हें किसी भी हालत में जेल नहीं जाने दूंगी, मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और वो मान गई। दो दिन गया मैं उसके पास, पर तीसरे दिन नशे में मैंने संजय की सारी असलियत बख दी। क्या रे तू रोज रोज वो संजय का गुणगान गाती है, एक नंबर का हलकट है वो। अरे दो दो बीवी हैं उसकी, तेरे को भी उल्लू बनाया उसने। तो तुझे डर था कि संजय के साथ साथ वो तेरी भी पोल खोल देगी, इसलिए तूने उसको मार दिया। अब ये बात बता, इसमें तेरे साथ संजय था या नहीं? नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया साहब, मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सर एक टिप मिली है, संजय को देखा गया, वो गोवा की तरफ जा रहा था। चलिए सर, वो पुलिस को अलर्ट कर दो, नाकाबंदी करने के लिए बोलो, और गाड़ी की डिटेल्स दे दो। तूने बचेगा सर। सर मैंने अबोली और संजय के कॉल रिकॉर्ड चेक किए हैं। सर एक कॉमन नंबर मिला जिससे दोनों बहुत बात किया करते थे, उल्लास। उल्लास कौन है ये? सर ये उल्लास अबोली का फादर है। सर बच्ची की डीएनए रिपोर्ट आ गई है, वो बच्ची अबोली की है, नितिन और श्वेता की नहीं है। सर एक मिनट। हेलो, ठीक है सर, अबोली के फादर उल्लास को अपने यहाँ ला रहे हैं। तो अबोली का बाप है ना रे? हाँ सर। मर्डर के एक दिन पहले तेरा मोबाइल अबोली के घर के आसपास एक्टिव था, तूने मारा है ना उसको? नहीं साहब, मैं क्यों मारूंगा? तूने मारा उसको, अपनी प्रेग्नेंट बेटी अबोली को पहले तूने नितिन के पास भेजा, बाद में उसके बच्ची का सौदा किया। हाँ, अब सच बोले तो बहुत मार खाएगा। साहब वो अबोली सिर्फ 23 साल की थी, और वो प्रहलाद राव 50-55 का, लेकिन अमीर भी था ना साहब। मैंने सोचा मेरे दारू के खर्चे के साथ अबोली का जीवन भी सेट हो जाएगा, लेकिन साहब फिर वो प्रहलाद राव का एक्सीडेंट हो गया, और वो अबोली को पति सुख नहीं दे पाया, लेकिन फिर उसका बेटा प्रथम उसने अबोली को, फिर प्रथम की भी शादी तय हो गई बड़े घर के लड़की के साथ, तो उसने अबोली को घर से निकाल दिया। अब वो उस वक्त प्रेग्नेंट थी साहब, 3 साल रही थी वो उधर साहब। पहले अपने बेटी को बेचा, उसके बाद में बेटी के बेटी को बेचा। साहब वो अबोली जब घर पे आई थी तो मुझे श्वेता और वो नितिन के बारे में पता चला,
श्वेता और नितिन को बच्चा नहीं था तो मैंने आबोली को उधर काम पे लगाया। उसको बोला कि तू उधर काम कर, वो तेरे बच्चे को पालेंगे, बच्चे का जीवन भी सेट हो जाएगा और तू भी उधर रह पाएगी। पहले तो सगड़ा चांगला होता साहब, बाद में जैसे बच्चे आए ना तो श्वेता और आबोली के बीच में बहुत झगड़े होने लगे थे। फिर एक दिन नितिन ने आबोली को घर से निकाल दिया, मेरे पास आई थी। फिर तूने भी उसको घर से निकाल दिया? हाँ सर। मीता के माता पिता भले ही जिंदा नहीं थे पर उन्होंने उसे पढ़ाने लिखाने का इंतजाम कर रखा था। वहीं अबोली के पिता उससे पीछा छुड़ाकर उससे पैसा कमाना चाहते थे। मीता और अबोली की कहानी बिल्कुल अलग अलग थी लेकिन अंजाम एक ही था। जितना पुलिस अबोली के केस को सुलझाने की कोशिश कर रही थी केस उतना ही ज्यादा उलझता चला जा रहा था। ओ साहब, गरीब पड़ गए होते थे और मेरी बीवी भी मर गई थी इसलिए मैंने उसे पैसे देकर खरीद लिया। बाद में मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी तो उसे निकाल दिया। हाँ पर तिला पैसे दिले मियाँ भरपूर। इसके बच्चे की वो माँ बनने वाली थी, ये बात कौन बताएगा? नहीं ऐसा कुछ नहीं था। बच्चे के डीएनए से पता चल जाता है उसका बाप कौन है मालूम है ना? जब उसने पैसा मांगा तो तुम दोनों ने मिलकर उसको मार दिया। तुमची थियरी चांगली है सर लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब चलो मान लो जो आप बोल रहे हो ऐसा अगर हुआ हो तो अबोली ने मुझे या मेरे पापा को कांटेक्ट करने की कोशिश की होती या पैसों के लिए हमको ब्लैकमेल किया होता। हाँ लेकिन उसने मुझे कभी कॉल भी नहीं किया तो उसे मारने का कोई सवाल ही नहीं उठता है ना सर। शिरके निर्लज्ज मानसे थी लेकिन इनको देख के लगता है कि इनके औकात है वाइट गोल्ड पेन रखने की। एक काम करो, इनके घर का सर्च वारंट निकालो और वो चाकू जिसके ऊपर दूसरा ब्लड मिला था वो इन दोनों के और इसके वाइफ के ब्लड से मैच करवा। ठीक है सर। सर एक मिनट सर, वो नितिन और श्वेता का डीएनए टेस्ट करने के बाद मैंने उन दोनों का फोन भी चेक करवाया था। सर श्वेता ने अपने फोन से किसी को मैसेज भी किया था, वो मैसेज साइबर सेल ने डिट्रैक किया है। ये देखिए भाऊ, अबोली मेरा बच्चा ले लेगी, इसे रोको कुछ करो। कब भेजा था मैसेज? सर डीएनए टेस्ट होने के बाद। लेकिन नितिन ने तो हमें बताया था कि वो बच्चा गोद ले लेगा, शायद ये बात श्वेता को बर्दाश्त नहीं हुई। लेकिन सर श्वेता ने इस मैसेज के बाद कुछ फॉलोअप नहीं लिया। फिर मैसेज किसको किया था पता करो। ठीक है सर एक मिनट। हेलो, ठीक है सर, फाइनली वो संजय पकड़ा गया। साहब कशाला मारता सर, मैं वहां पे नहीं था, मैं बाहर गया था। तू नहीं था लेकिन तेरी दोनों बीवियां अबोली के घर के आसपास थी मर्डर के पहले दिन, और तेरी मां मंदिर के पास मर्डर के दिन। तूने भेजा था ना? नहीं नहीं साहब, मैंने नहीं भेजा था। तृप्ति मारने के लिए। देख तू मेरे पति की जिंदगी से निकल जा, हमारी जिंदगी बर्बाद मत कर। और तेरे पति ने जो मेरी जिंदगी बर्बाद की उसका क्या? खुद सोया मेरे साथ और धोखे से दूसरे आदमी को भी सुलाया। सोना नहीं मित्याला, पुलिस के पास जाऊंगी। मैं जाने दूंगी तब जाएगी ना तू। छोड़ मुझे, छोड़ छोड़। क्या कर रहे हो तुम लोग? बहनी को हाथ नहीं लगाने का, पुलिस को बुलाओ इससे पहले निकलो यहां से। और आप क्या करने गई थी मंदिर के पास? मैं तो उसे समझाने गई थी, पुलिस के पास मत जा, हम सब साथ साथ रहेंगे। आई आपका ये समझाना समझना ना बहुत हो गया, दो बहुएं क्या कम पड़ रही थी आपको? हे, मेरे बेटे की खुशी मेरी खुशी है और तुम दोनों भी अपने मर्द को खुश रखना। सर श्वेता ने जिस नंबर पर मैसेज किया था उसके डिटेल्स निकाले, ये मर्डर के वक्त अबोली के घर के आसपास ही था और ये किसके नाम पर रजिस्टर्ड है ये देखिए। कॉर्पोरेटर माधव देशमुख। ये फोन लोकेशन के अलावा क्या सबूत है तुम्हारे पास? श्वेता ने तुमको SMS किया था। अरे ये कौन श्वेता? मैंने भाई जानता श्वेता बेटा को, मैं कॉर्पोरेटर हूँ, दिन में 100-150 के ऊपर मेरे को मैसेज आते हैं, मैं क्या सबको मारते फिरता हूँ क्या? और उस दिन ये मेरा फोन रिपेयरिंग के लिए गया था, समझा? मर्डर के दिन फोन रिपेयरिंग के लिए? सर जास्त नहीं वाटे? फोटो वाटे तुला? ये मेरा PA नंदू, ये लेके गया था फोन। ए संग रे। हो सर, सर के फोन के ऊपर कॉफी गिरा था तो मैंने ही रिपेयर के लिए ड्राइवर के पास दिया था। तुम्हारा खोटा वाटत असेल तो विचारून घ्या त्याला।
ये क्या है? क्या है? गिफ्ट है वो। गिफ्ट। इस पेन का मिसिंग हिस्सा हमें मर्डर स्पॉट पे मिला। सर ये तो किसी पेन का कैप लगता है। इतना सबूत काफी है। अब तेरी ट्रांसफर जेल में। ये पेन का निचला हिस्सा हमें मर्डर स्पॉट पे मिला और ये पेन तेरे घर पे। चल बता सच क्या है, नहीं तो बिना वजह मार खाएगा। तुम्हें काहे पन करा सर, मेरे को पता है मैंने गलत कुछ नहीं किया। मेरा फोन 15 तारीख को शाम को खराब हो गया था और मेरे को मिला हो 16 तारीख को शाम को। तुम्हारी ये रिपोर्ट है ना, ये सब गलत है। शिरके समाज सुधारक साहबान से ब्लड चेक करा और चाकू में जो ब्लड मिला है उससे मैच करवा और इनके जो ड्राइवर है उससे भी बात करो। कहीं तूने तो वो मर्डर नहीं किया? वो माधव और देशमुख का फोन तेरे पास था ना? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। माला तो फोन नंदूबाहू ने दिला। मैंने वो फोन वैसे ही ले जाके मोबाइल रिपेयर शॉप में दिया। शाम को मैंने वापस लाके नंदूबाहू को वापस दे दिया। हाँ साहब, मैंने फोन रिपेयर किया था पर त्याच्यामध्ये सिम नव्हता। अगर निघालो घरीच निघालो। सर सर, किसी ने उस माधवराव को फंसाने की कोशिश की है सर। किसी ने उसका सिम कार्ड यूज किया था। नहीं शिरके, तुम माधवराव को नहीं जानते। वो एक नंबर का चीटर है। उसने जरूर अपना सिम कार्ड दूसरे मोबाइल में डाला होगा। वो किसी ना किसी तरीके से इस केस में इन्वॉल्व जरूर होगा। एक काम करो, माधवराव के साथ जितने भी लोग हैं उनमें से कौन कौन उस पेन को हाथ लगा सकता है उनके सबके ब्लड सैंपल और फिंगरप्रिंट्स ले लो और मर्डर स्पॉट पे जो ब्लड सैंपल और फिंगरप्रिंट्स मिले थे उससे मैच करवा। इन लोगों में से कोई ना कोई है जिसने इस पेन नाइफ से इन दोनों का मर्डर किया है। मर्डर क्यों किया? सर मैंने कोई मर्डर नहीं किया सर। नहीं किया? खड़े क्या है? मीता ने चाकू मारा था ना तेरे को? वो चाकू पे तेरा ब्लड मिला है। तूने मारा दोनों को? क्यों मारा? श्वेता कजिन है माजी। उसके माँ बाप ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। बच्चा ना होने की वजह से श्वेता को ससुराल वाले बहुत परेशान कर रहे थे। एक दिन अचानक अबोली का बच्चा श्वेता ने ऐसे बताया कि उसका खुद का हो। सब लोगों ने वो बच्चा देख लिया था और अबोली अब वो बच्चा वापस चाहती थी। 2 दिन में डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आने वाला था। मुझे उससे पहले अबोली को मारना था। मैं सुबह 7 बजे उसके घर पे पहुंचा उसे मारने। वो मंदिर से आ चुकी थी लेकिन अचानक वो मीता के घर चली गई। फिर मैंने सुना अबोली पुलिस के पास जा रही है। पुलिस के इन्वॉल्व होने से पहले मुझे उसे मारना था। सनी ने मेरे साथ जबरदस्ती। तो चुप हो जा, हम पुलिस के पास जाएंगे। हाँ तो चल। माधवराव देशमुख क्यों फंसा है? बड़ा आदमी है सर, जेल से भी छूट जाता था। श्वेता को मैंने ही कहा कि उसे SMS करे। मैंने उनका पेन नाइफ देख लिया था, उसी से मैंने मारा। उसका सिम कार्ड भी साथ में लेके गया था ताकि सबको लगे कि वो वहां था। श्वेता को ये सब पता था ना? तृप्ति, श्वेता को अरेस्ट करो। सर। बच्चे के चक्कर में तुमने 2 लोगों का मर्डर किया। इससे अच्छा अपनी बहन को मना लेते बच्चा गोद लेने के लिए। अबोली को हमेशा से ये सिखाया गया था कि उसे जिंदगी में दूसरे के सहारे की जरूरत पड़ेगी, इसलिए बिना किसी सवाल के वो पहले प्रहलाद, फिर उसके बेटे, फिर नितिन, श्वेता और संजय के हाथों की कठपुतली बन के रह गई। लेकिन जब तक मैं अबोली को अपनी कीमत समझ में आई, उसने अपनी और अपनी बेटी की नियति बदलने की ठानी, तब तक मैं बहुत देर हो चुकी थी। वो इन सब की परछाई से बाहर नहीं निकल पाई। वहीं मीता को सहारा देने के नाम पे उसकी मामी और उसका कजिन सनी उसे शोषित करना चाहते थे। लेकिन श्वेता का क्या कहा जाए, जिसने एक औरत होकर भी दूसरी औरत के दर्द को नहीं समझा, जिसने माँ बनने की चाहत में दूसरी औरत की ममता को ही कुचल के रख दिया। ये कहानियाँ दरअसल हमारे स्वार्थी समाज की कहानियाँ हैं, जहाँ हर इंसान दूसरे की मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है, उसका इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन याद रखिए,
गलत का अंजाम गलत ही होता है। तो चलिए मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया अब लेती हूँ आपसे विदा, फिर मिलूंगी अगले एपिसोड के साथ। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम, एक औरत परिवार अब हर औरत का भार। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।